हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या कोचिंग क्लासेस सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज अ कॉनकेव मिरर व्हाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन इन दिस कन्वेंशन द पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज अ ओरिजिन यहाँ पे हम पी यानी पोल को एज अ ओरिजिन लेते हैं औरिजिन मीन्स यहाँ से ही सारे डरेक्शन्स टूवर्ड्स राइट एंड टूवर्ड्स लेफ्ट विल भी डिसाइडेड जिसे हम प्रिंसिपल एक्सेस भी कहते हैं सो डरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज विल बी ओरिजिन फ्रॉम द पी अगर हम पोल से डिरेक्ट करते टूवर्ड्स द राइट यानी डिस्टेंस लेते हैं टूअर्ड्स द राइट तो वो हमेशा कैलकुलेट होगा इन अ पॉजिटिव टर्म्स यानी अगर यहाँ से डिस्टेंस होगा फोर किलोमीटर तो वो पॉजिटिव में होगा अगर हम डिस्टेंस लेते हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट तो वो हमेशा नेगेटिव में काउंट होगा यानी यहाँ पोल से लेकर डिस्टेंस होगा एंड तक फाइव किलोमीटर तो वो माइनस फाइव कहलाया जाएगा अगर हम हाइट अपवर्ड्स लेते हो यानी हम ऊपर की तरफ हाइट को मेजर कर रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा और अगर हम हाइट को टूवर्ड्स डाउन मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमेशा एक नेगेटिव सिंबल होगा सो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ द मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर है जहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मेजर होगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल पी से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तक जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम यू डिनोट करेंगे सेकेंड होगा इमेज डिस्टेंस यानी पी से लेके इमेज डिस्टेंस तक जिसे हम कहेंगे वी और थर्ड होगा फोकल लेंथ से लेके पोल तक जिसे हम डिनोट करेंगे एफ सो so, हमारा फाइनल मिरर फॉर्मूला बनता है वन अपॉन एफ मिरर को कैलकुलेट करने के लिए सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको माइंड में रखने होंगे सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द मिरर फॉर्मूला इज दो मिरर्स के साथ आप मेजरमेंट लोगे एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हमें यू टी नोट किया था वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के केस में दोनों के केस में होंगे नेगेटिव ऑब्जेक्ट हाइट को लेते हैं यानी उसे हम डिनोट करते हैं एच ओ वो दोनों के केस में पॉजिटिव रहेंगे थर्ड होगा फोकल लेंथ यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव मिरर में हम नेगेटिव लेंगे नेक्स्ट वन इज इमेज डिस्टेंस जिसे हम वी डिनोट करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव रहेंगे एंड इमेज डिस्टेंस केस ऑफ कॉनकेव मिरर वुड बी नेगेटिव एक्सेप्ट when object is placed between f, f any yani focal length and pole of the mirror and the last and most important fact is what would be the nature of the image so in case of convex mirror the nature of the image would be virtual and erect and in case of concave mirror the nature of the image would be real and inverted except when the object is placed between focal length and pole of the mirror